वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जी सी इंडिया। आई एम कुंदन गोस्वामी फ्रॉम भागलपुर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का आंसर लाया हूं, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है 3 फरवरी 2020 को। इसमें मैंने जो आंसर दिया है वो 100% करेक्ट है और कहीं भी डाउट करने का कोई भी बात नहीं है। बिकॉज जो भी जिसका भी आंसर अवेलेबल नहीं था, मैंने NCERT बुक से इसको रीड करके इसका आंसर बनाया है, इसीलिए इसमें कहीं भी डाउट होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं, तो आप लोग भी मिला लीजिए। फिलहाल मैं सॉल्व करके आपको नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज टाइम भी अधिक लग जाएगा वीडियो में, और आपको सिर्फ अभी आपको आंसर चेक करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है बाद में, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी है फिर आपका। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास सेट ए अवेलेबल है, तो सेट ए को ही हम लोग देखते हैं शुरू से। तो आइए, फर्स्ट पेज देखिए आपके सामने है। फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पेज में सिर्फ अगर कुछ है तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो आइए पेज नंबर सेकेंड पर आते हैं। पेज नंबर सेकेंड पर भी सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं पेज नंबर सेकेंड पर। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज, पेज नंबर ये तीसरा शायद होगा, जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 टू 42 हाई 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, कह रहा है कि वन आंसर ही करेक्ट है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन ओमार सीट आंसर एनी 35 क्वेश्चंस, कह रहा है मात्र 35 क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया और उसमें से एक ही करेक्ट है। तो आइए वन बाय वन हम लोग आंसर इसका मिलाते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ चार्जिज, मतलब कह रहा है कि आवेश का जो बीमा है वो कितना होता है, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80। इसका जो आंसर नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा एक नंबर, मतलब 80। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो इसका एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा, ये आपका जो आंसर होगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह से सिर्फ आपको मिलाना है कुछ आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युतीय क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मौन, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो बहुत ही कम होगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, बहुत ही कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो D हो जाएगा। सिर्फ अभी आप चेक कर लीजिए, बाद में मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें भेज सकते हैं लिख करके 8292931012, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। तो आइए, ये 6 का आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर आपका। 7 नंबर में देखिए क्या है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG था, चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका जो आंसर होगा वो होगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए A नंबर, इसका जो आंसर होगा A नंबर होगा, 8 का A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है, मतलब KWH का जो किस मात्रक है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, मतलब इसका आंसर जो होगा इसमें B नंबर होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संगारक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा शून्य, मतलब ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हीरा का बर्तनक करीब होता है, मतलब इसका जो अप्रोक्सीमेट इसका जो बर्तनक होता है वो 2.42 होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर, कह रहा है कि दो समान संधारित सी वाले संधारित के को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता तो होती है, तो इसका आपको मालूम होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट वो 2C होगा, मतलब ए नंबर आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक गर्म तार एमीटर मापता है, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा आपका, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि निकट दृष्टता जो दूर करने वाला लेंस होता है वो होता है कनकेव, जिसको हिंदी में हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, मतलब ए नंबर इसका आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर, कह रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता जिसमें इंक्रीजेज होता है, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, बढ़ती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो इसका जो आप इसका निकाल लीजिएगा, मीटर में निकलता है तो इसका 5 आ जाता है आंसर, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। आप 10th में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे इसका आंसर, 10th में भी पूरा दिया हुआ है इसके बारे में डिटेल से, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 5 निकलता है, आप निकाल के भी मैंने देखा हुआ है, फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, ए नंबर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 18 मतलब 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसमें डिक्रीज हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा घटता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गामा किरणों की तरह होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए गामा किरणों की तरह अगर होता है तो वो एक्स किरणें होता है, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरह से आपके मतलब बुक में दिया हुआ है, एकदम एनसीईआरटी बुक में भी हर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ, भी कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, 19 का नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, कह रहा है कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोटोन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 का जो आंसर होगा इसमें आपका 21 देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो वो किसका है, आवेश की, विभवांतर की, धारा की, ऊर्जा की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की, मतलब ये ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसका जो डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है, अधिक होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, बच्चा जानता है इसको कि निर्वात में, मतलब डी नंबर। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि आप हंसते खेलते इसको बना सकते थे अगर आप चाहते तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है प्लैंक स्थिरांक की विमा है, तो प्लैंक स्थिरांक की जो डायमेंशन होती है वो होती है ML2T-1, मतलब इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर, तो ए नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, कह रहा है 1 AMU बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻²⁷ kg, तो इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, तो 25 नंबर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्ध माइनस आयु उसके बाद बराबर 0.6931 × औसत आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
26 पर कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा होल्स, मतलब जिसको छिद्र कह सकते हैं हिंदी में, मतलब बी नंबर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कह रहा है चीन किस गेट को निरूपित करता है, तो ये बताइए लॉजिक गेट में कौन सा गेट का है चीन, तो आप लॉजिक गेट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एंड गेट का है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। 29 में क्वेश्चन नंबर है कह रहा है नाभिक से अल्फा कण, नीचे थोड़ा कर देते हैं, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से छटता है, तो हो जाएगा इसमें आपका आंसर जो इसका हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है, तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ए नंबर, 4/2 हीलियम एच ई, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। कह रहा है नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो नाभिक का जो घनत्व होगा वो सी नंबर हो जाएगा, आइए नेक्स्ट सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉमर श्रेणी, बॉमर श्रेणी आप लोग लिखे भी होंगे, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कि कह रहा है किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लेमडा बराबर एच बटे एम भी, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए बहुत ईजी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारा पूछा हुआ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप पूरा चेक कर लीजिए। आगे है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नहीं ए होगा इसमें, ठीक है, बी नहीं होगा, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, ठीक है, कह रहा है प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपवर्तन गुना पथ लंबाई, ठीक है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा 36 का। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुप्रस्थ हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए लोहा जो होता है वो लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है अपचाय ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब वोल्टेज हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर, 40 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी जगह का नमन कोण, तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी वी बाय बी एच, इसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर वो होगा बी वी बाई बी एच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का, जिसमें कह रहा है कि एक वोल्ट बराबर होता है, तो एक वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 1 जूल प्रति कूलम, मतलब ये इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, आंसर बी। तो ये जो मैंने आपको आंसर कराया ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, और इस आंसर को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी करेक्ट आंसर का पता चल सके। YouTube पर बहुत सारे आंसर अवेलेबल है, बट ये जो है ये मैंने NCERT बुक्स या जहाँ सर भी हेल्प लेकर के बहुत सारा ये 100% मैंने करेक्ट आंसर आपको उपलब्ध कराया, इसीलिए आप इस वीडियो को
अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए तो इस चैनल पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए आ सके। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट भी है और कुछ क्वेश्चंस भी पूछना है आपको तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर 8292931012, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।